हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली की बर्फी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। तो चलिए जल्दी से इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए और खाने में एक बढ़िया फ्लेवर निकल करके आए। दोस्तों, जब तक हमारे मूंगफली के दाने रोस्ट हो रहे हैं, तब तक आप फटाफट से लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमने मूंगफली के दानों को 8 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है। अब इनको अलग बर्तन में निकाल करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बर्फी बना रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 किलो मूंगफली के दाने लिए हैं, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंगफली के दानों को 2 अलग अलग बर्तन में निकाल लिया है, ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाए और थोड़े से दाने अभी भी कढ़ाई में बचे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे मूंगफली के दाने हैं, वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, और अब मैं इन्हें धीरे धीरे करके सभी को अच्छे से मसल कर इनका छिलका अलग कर लूंगा। अब मैं इन्हें दोनों हाथों से अच्छे से मसल लूंगा। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हमारे मूंगफली के दाने छिलकर के तैयार हैं। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में पीस लेंगे। मुझे ये थोड़े दरदरे पसंद है, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा मोटा मोटा ही पीस रहा हूं। दोस्तों, इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल भी नहीं पीसना है। हम इसे धीरे धीरे रुक रुक करके पीस लेंगे, ताकि इसमें से तेल ना निकले। हमारे मूंगफली के दाने पिसकर के तैयार हैं। तो चलो अब बर्फी बनाने के लिए चाशनी तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पर बर्फी के लिए हमारी चाशनी तैयार हो रही है। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चीनी और 350 ml यानी कि 1 गिलास पानी लिया है। अब चीनी को पानी में मेल्ट होने देंगे। दोस्तों, मूंगफली की बर्फी की मेरे पास एक और रेसिपी है, जिसमें मूंगफली की बर्फी बिल्कुल काजू कतली जैसी बनती है। इनफैक्ट उसका टेस्ट भी काफी हद तक काजू कतली जैसा ही होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 120 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 120 लाइक आ जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसकी दूसरी रेसिपी भी जल्दी ही लेकर आऊंगा। दोस्तों, अब चीनी जो है पानी में अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। और मैंने यहां पर 1/2 कप के बराबर इसमें दूध मिक्स किया है, और इसको थोड़ी देर अच्छे से हिला लेंगे। और अब मैंने गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब जो दूध हमने इसमें मिक्स किया था, वो फट करके ऊपर आ गया है, और इसके साथ ही चीनी में जो भी मेल था, वो भी दूध के साथ ऊपर आ गया है। अब हम चलने की सहायता से इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी चाशनी बिल्कुल साफ हो चुकी है, अब इसे अच्छे से पकने देंगे।
दोस्तों यहाँ पर हम चाशनी एक तार से थोड़ी सी ज्यादा लेंगे। हाँ, पर आप ध्यान रखें, हमें चाशनी दो तार की बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए अब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने, जिनको हमने पीस करके तैयार किया था, उन्हें मिक्स कर देंगे। और अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। पलटे को चलाते रहे। और देखिए आपको बिल्कुल इसी स्टेज पर गैस को कर देना है बंद। और गैस बंद करने के बाद इसे 2 मिनट तक कढ़ाई में रहने दे और पलटा चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले। अब हमारी मिठाई जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे जमाने के लिए पीतल के थाल का यूज कर रहा हूं। आपके पास जो भी सुविधा हो, आप उसके अकॉर्डिंग मिठाई जमा के इसका लुफ्त उठा सकते हो।